कुछ बातें याद आ गई पुरानी। उस टाइम हम दोस्त, किसी लड़के ने उससे 2000 रुपए मांगे, फिर भी नहीं दिलाया। बैक का वर्कआउट और फिर भी मैंने मिस नहीं किया, इतना ज्यादा थका हुआ हूँ। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज थोड़ा सा लेट हो गया हूँ उठने में, तो बस उठते ही मेरी डाइट आ रही है और कार्डियो आज मैं नहीं कर पाया हूँ, तो दोनों चीजें करके आऊंगा, कार्डियो भी वर्कआउट भी। तो निकलते हैं जिम के लिए, उससे पहले एग खा लेता हूँ। तो गाइस अभी सुबह सुबह कुछ बातें याद आ गई पुरानी, मतलब मुझे सबसे पहले आईफोन गिफ्ट दिया था, मेरी 2 गर्लफ्रेंड थी उन्होंने, और पैसे इधर उधर से मांग के इंस्टॉलमेंट पे लेके दिया था। वो कौन है, दोनों ये सामने बैठी है गोल वर पायल, तो क्या कहना चाहेंगे। उस टाइम हम दोस्त थे, शादी नहीं हुई थी हमारी, और मतलब मेरी आपसे शादी नहीं हुई थी, मेरी पायल के साथ अच्छी दोस्ती थी, तो ऐसे ही दिमाग में आया कि लेकिन अफेयर चल रहा था, रिलेशनशिप था, तो ऐसे दिमाग में आया कि आईफोन देना चाहिए। पायल ने भी सोचा, तो फिर हमारे पास पैसे नहीं थे, तो फिर हमने इंस्टॉलमेंट कहाँ से होगी। 30,000 रूपए हमने डाउन पेमेंट जैसे देते है ना, वो दी थी। फिर इसकी बहन थी राधिका, उसके पास बजाज का कार्ड था, उसके बजाज के कार्ड पे हमने निकलवाया था, फिर उसकी किस्त भरते थे। मेरे को अभी तक याद है, जो मेरी किस्त बनी थी 1800 रूपए बनी थी, वो अभी तक कट रही थी शादी के। एक्चुअली बात कहना, बात ये है कि अभी हमारे सामने खुलासा हुआ है कि हमारे यहाँ पे काम करने वाला लड़का ना, उसकी सैलरी में से ना किसी लड़की ने उससे 2000 रुपए मांगे, तो हमें नहीं पता था। बोलू तो कर देती है, पैसे मांगते पैसे कर देती है। तो अभी ना हमें राहुल ने बताया कि ऐसे ऐसे इसने ना 2000 लड़की को दिए, तो हम वही कह रहे थे कि जहाँ प्यार होता है ना वहाँ पैसा नहीं होता। अब उसे भी पता है इतनी मेहनत कर रहा है, और 2000 रुपए बड़ी चीज होती है, छोटी चीज होती नहीं है। तो मैं और गोलू ये कह रहे थे कि हमने कभी पैसे नहीं मांगे, एक बार दिया था, वो मुझे दिया था 1000 रुपए। ऐसे तो आपने बहुत कुछ दिलाया है, कभी भी मतलब मना नहीं करा, पैसे नहीं मांगे ना, बिना मांगे इतनी सारी चीजें करवा दी, ऐसा आदमी कहाँ मिलने वाला है। याद है एक बार ये मुझे पटा रहे थे, मेरी एक फ्रेंड थी, ऐसी बोले चलो तुम्हें घुमा के लेता हूँ, ये ले गए मलिक ज्वेलर्स, तो वहाँ अंगूठिया देखने लग गए अपने लिए। मुझे लगा मुझे भी दिलाएंगे, मुझे कुछ नहीं दिलाया। आपकी लड़की को बोल रहे ये मेरी फियांसे है, इनको भी दिखा दो कुछ। मैं कैसे बोले तेरे को, हाँ मेरी फियांसे, इनको भी दिखा दो कुछ। को दिलाया नहीं, दिलाया फिर भी नहीं दिलाया, अपने तीनों गड्डू लेके आ गए। एक बात बताऊंगा, पैसों का थोड़ी प्यार होता है। चलो वो अंगूठिया मैंने उस टाइम ली, आज कौन पहन रहा है, यही तो पहन रहे हैं। तो मैंने तो वहाँ सच बोला ना कि ये मेरी फियांसे है, थोड़े दिन बाद सेटिंग वेटिंग होगी पायल, मतलब वाली बात तो हो गई। हमारे साथ भी हुआ था ऐसा, सेम सेम पायल। एक बार याद है जब मैं ऐसे से कोई मुसीबत में थी, मैंने कहा था फोन करके इनको बुलाया था। ऐसी बात थी कि इसकी कजन को किसी ने छेड़ दिया था और वो बहुत छेड़ता था, तो इसने फोन किया आप आ सकते हो पुलिस स्टेशन, मैं अकेली थी, मेरे को फोन नहीं किया, उन्होंने भी बोल दिया हाँ हाँ मैं आ जाता हूँ, फिर चले गए। एक्चुअली क्या था ना, मैं तो वेट कर रहा था कब मुझे फोन करे, तो फोन आया मेरे पास, ऐसे ऐसे दिक्कत होगी आज। मैं गया उड़ता हुआ शक्तिमान की तरह वहाँ पहुंचा, तो वहाँ जा रहा हूँ, इसको पुलिस स्टेशन जा रहा है, और ये मैडम ना शॉर्ट्स पहन के खड़ी हुई है, चले मैंने कपड़े चेंज कर गया पहले। गर्मियों का टाइम था, हम अंदर गए थाने में, वहाँ बोला पुलिस वाला कौन है भाई तू, मैंने बोल दिया था मैंने ये मेरा फियांसे है, तो पुलिस वाला कह रहा है भाई छोरी का चक्कर मत पड़ा, इनका आपस का कलेश है ये वो है। तो मैं बोला भाई साहब ऐसी कोई बात नहीं है, कह रहा भाई यार चौथा आदमी जब भी आवाने छोरी के लिए नुह कह रहा है फियांसे है, मतलब ये तो रियलिटी है भाई, देखो अपना तो है इसके साथ, अभी शादी होने वाले थोड़े दिन। फिर वहाँ पे वो मसला इनका हल करवाया, बाहर आया तो मैं बोला हाँ भाई क्या चक्कर है, मैं बता सेटिंग वेटिंग करनी है। लाइन तो गोलू पहले भी मारती थी आपको, याद है इसने बोला था आपको आप शादी करोगे क्या, उससे कर लो। बोला था स्टार्टिंग से, गाइस देखो एक हफ्ता हमारा रिलेशन ज्यादा तो नहीं था, एक हफ्ता था, बट पहली बार देखते ही कुछ होता है ना कि समझ आ गया था, तो वैसा वाला सीन था, कुछ कुछ होता है। चलो गाइस काफी बोर करते हैं गोलू और पायल ने, मैं निकल रहा हूँ जिम के लिए, तो मिलते हैं जल्दी। बैक का वर्कआउट और साथ में करेंगे हम ट्राइसेप्स। बैक का वर्कआउट डन होने वाला है, और बैक का वर्कआउट बहुत ज्यादा जरूरी होता है। कुछ कुत्ते होते हैं जो आपके ऊपर नजर रखते हैं, दो कुत्ते होते हैं, एक होते हैं महंगे वाले कुत्ते, वो होते हैं कोठियों में होते हैं, वो भौंकते नहीं किसी पे भी, और जो रोड वाले कुत्ते होते हैं ना वो हर किसी पे भौंकते हैं और थोड़ी देर बाद मर जाते हैं, क्योंकि गाड़ी वाड़ी के नीचे आ जाता है कोई ना कोई। तो भैया बैक स्ट्रांग रखो, कुत्ते हैं भौंकते रहेंगे, और ज्यादा से ज्यादा भैया वर्कआउट पे ध्यान दो, कुत्तों पर मत दो। देखो गाइस वर्कआउट सही हो या गलत हम कर रहे हैं, पर कुछ ज्ञानी होते हैं जो आपके ऊपर ध्यान रखते हैं, और उनको लगता है हम बहुत बड़ा योद्धा हैं, और उन्होंने जिंदगी में कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। अभी करने ट्राइसेप्स और बैक का वर्कआउट खत्म हो गया है, तो बस यही बोलना चाहूंगा कि कुत्ते हो
भोगते रहो। तो मैं कर पाया सिर्फ बैक का वर्कआउट, ट्राइसेप्स कर नहीं पाया, जान नहीं बची थी, तो बस अभी घर जाके डाइट लेते हैं। ओके, तो आज हम करने वाले हैं ट्राइसेप का वर्कआउट एंड अभी हम करेंगे ओवरहेड केबल एक्सटेंशन। तो काफी लोगों के कमेंट आए हुए थे, थैंक यू सो मच, सबको वर्कआउट पसंद आ रहा है और हम भी लगे हुए हैं पूरी मेहनत से। तो अब क्या करेंगे ना, आगे से मैं पूरा रूटीन दिखाने वाला हूँ, कितने सेट कैसे वो मिस मत करना। कट दे डोले आ चुक जान है जान। जब जिंदगी में कुछ कर रहे हो ना, ऐसे ऐसे लोग सलाह देते हैं आपको जिन्होंने जिंदगी में कुछ नहीं किया। मेरा वर्कआउट ना दोनों एक साथ थे, बैक का भी ट्राइसेप्स का, पर सुबह ना मेरी हालत थोड़ी सी खराब हो गई, फिर भी मैंने मिस नहीं किया। हमारे कोच साहब ने बोला आना है तो आना है, पहुंचे हम फिर। एक बच्चे को भी ट्रेन कर रहा हूँ मेरे साथ साथ। गाइस ये वाली जो एक्सरसाइज है ना, दुनिया में सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ। तो मैंने गौरव को भी सिखाई है, देखते हैं क्या करता है। करने के बाद आ गई अपनी डाइट। और क्या शेड्यूल है पहला आज का? शेड्यूल तो कुछ नहीं, चीकू नहा चुका है। हाँ, क्योंकि रात सुबह निलाना नहीं है। देखनी है मूवी? हाँ जी पापा। कौन सी? जो आप बोलो। हॉल में देखनी है घर पे देखनी है? घर में ही देखेंगे, हॉल में नहीं। हॉल में स्कूल भी है। हॉल में, हॉल में स्कूल है आपका कल मॉर्निंग में। तो अभी गाइस मैं इतना ज्यादा थका हुआ हूँ, फिर भी मुझे जाना है स्टूडियो। आज मेरी फाइनल डबिंग है गाने की, क्योंकि मैंने पिछली बार भी की थी, उससे पिछली बार भी। अब जो जुनून है ना कि यार ये वाली है तो वो भी ओके, पर मैंने बोला कि मैं दोबारा करूंगा आज वाली। पर मेरी तबीयत भी खराब है, पर कुछ चीजें यादगार रह जाएंगी कि मेरी तबीयत खराब थी उस दिन मैंने डबिंग की। बाय पापा। बाय मेरी जान। तो दोपहर का सो जाता है ना, तो मैं तेरे को ले जाता। तो एक काम करते हैं, आज का व्लॉग हम यहीं समाप्त करते हैं, मैं डबिंग करके आता हूँ, काफी लेट हो जाऊंगा रात को। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच, आप जिम की वीडियो को बहुत ज्यादा प्यार दे रहे हैं। बाय बाय, टेक केयर।